नमस्कार, जनकपुर टाइम्स ऑनलाइन टेलीविजन से प्रसारित भ रहल कार्यक्रम कोरोना संकट अब मेयर बोल्नु हुन्छ कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत है। हम छी राम इकबाल महरा। कोरोना COVID-19 वायरस अखन विश्व परेशान है। एहने अवस्था में नेपाल से ऐसा अछूत नहीं है। नेपाल में से अखन तक आधिकारिक रूप में 16 गोटे में ई वायरस के पॉजिटिव अर्थात वायरस लागल देखल गेल है। एखनो चेक जांच भइए रहल है। बहुत गोटे के एबाक क्रम जारी है। ऐसा बचबाक लेल और ई देश भर बेसी पसरने देबक लेल सरकार लॉकडाउन केने छ। देश पूर्ण रूप में लॉकडाउन में गेला आई 25 दिन बीत गेल छ और एखनो लॉकडाउन ई चारिम बेर जे थपने लॉकडाउन के 12 दिन बाकी छ। ई लॉकडाउन में और कोरोना वायरस फैलने देबक लेल पसरने देबक लेल विभिन्न सरकार नेपाल के जे 3 तह के सरकार है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार, अपन अपन हिसाब से काज कय रहल है। एहने में धनुषा के गणेश मान चारनाथ नगर पालिका के स्थानीय सरकार की कह रहा है अपन नगर के जनता सब के ऐसे सचेत कराब के लिए आ ई अपन नगर भीतर एहन वायरस नहीं फैल देबक लेल। ऐसे विषय में आई हम सब बातचीत करबाक प्रयास केने छी। आई के लेल आई गणेश मान चारनाथ नगर पालिका के नगर प्रमुख राम बाबू यादव के आमंत्रण केने छी। तहिना हम सब आई वही ठाम के नेकपा के नगर कमिटी के अध्यक्ष महेश लाल यादव जी के से आमंत्रण केने छी आ तेसर अतिथि के रूप में नेपाली कांग्रेस के क्षेत्रीय सभापति जीत नारायण यादव जी के आमंत्रण केने छी। चलिए आप हुनका तीनों गोटे के स्वागत करी आ हुनके सबसे हुनका सब के नगर पालिका में केहन केहन प्रयास भ रहल अछि क्वारंटाइन के राहत व्यवस्थापन के लगाइत जे एहन टाइम में जे महामारी के टाइम में व्यापारी सब कालाबाजारी क रहल विभिन्न समाचार सब मीडिया में आबि रहल अछि। एहि विषय में बातचीत करबाक लेल हुनका तीनों गोटे के स्वागत करी। मेयर साहब, नेताजी सब, अपने तीनों गोटे के स्वागत अछि कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देश लॉकडाउन में गेला आई 25 दिन बीत गेल अछि। एखन 10 दिन ई चारिम चरण के लॉकडाउन के से बाकी है। कोरोना से अखन धरि विश्व में लगभग लगभग 1,40,000 आदमी के मृत्यु भ गेल अछि। नेपाल में से 16 जना में अखन धरि आधिकारिक रूप में पुष्टि भ गेल अछि और किछ गोटे के अखनो रैपिड टेस्ट पॉजिटिव देखेने आ ओकरा सब के PCR टेस्ट आबे के बाकी अछि। एहन अवस्था में गणेशमान चारनाथ नगर पालिका एहि चीज से बचे के लेल केहन केहन प्रयास केने अछि? पहिल सवाल मेयर साहब से। जी, हमारे गणेश मान चारनाथ में जे आइ 25 दिन जे लॉकडाउन के जे समस्या पर छै, ओहिमे हमसब पहिले से जे हमरा सबके 6 गते हमरा सबके जे लॉकडाउन शुरू भेलै तहि दिन से हमसब अहाँके पूरा जनचेतना प्रत्येक वार्ड में घूमि कऽ हमर वार्ड अध्यक्ष, राजनीतिक दल, हम अपने सब पूरा घूमि कऽ पूरा एकदम व्यवस्थित भी रखने छी। हमसब अभी जे हमरा सबके दोसर चरण के लॉकडाउन भेलै गा के बाद हमसब प्रत्येक पार्टी के प्रतिनिधि बैठा कर कि अपना वार्ड से अपना नगर प्रकार दूसरो नगर प्रकार के आदमी के नहीं लाओ, क्योंकि हम सब घर घर जाकर ई भी केने छी। आ दोसर में हमसब अहाँ के प्रत्येक वार्ड में लगभग अहाँ सबके 45,000 गोटा जनसंख्या मध्य में लगभग 40,000 मास भी पूरा बांट के हमसब अहाँ के वहाँ से जनता से सुरक्षित रखने छी। और टोल टोल में चौक चौक में अहाँ के सैनिटाइजर, साबुन, ड्राम राखि कर अहाँ के हर जगह व्यवस्था भी केने छी। और दोसर चरण के बाद अहाँ सबके जे अभी राहतों में हम अहाँ के धनुषा जिला में फर्स्ट स्थान में हम अपने के लगभग 28 लाख रुपया के हम अहाँ के राहत भी 11 वार्ड में अहाँ के लगभग कल तक सम्पन्न भेल। आइ अहाँ से पुनः बैठक बैस रहल छै, फिर हमसब दोसर चरण के भी हमसब राहत वितरण मेयर साहब। धनुषा जिला के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़का नगर पालिका गणेशमान चारनाथ नगर पालिका, करीब 242 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के हिसाब के नगर पालिका है। अई में अपने सब बचे के लिए क्वारंटाइन आइसोलेशन के व्यवस्था की केहन व्यवस्था सब केने छी? वो हम सब अपने के वो हॉस्पिटल एगो स्कूल दुगो हमरा आगे 35 बेड के आगे दुखनी हॉस्पिटल एगो बेलवार स्कूल छै ओहिमे 20 बेड के आगे हम आगे स्टूडेंट आगे एकदम चालू अवस्था में छै। हमसे 9 आदमी वहाँ से अभी भरनो चलेगा तो हम तो 7-8 आदमी के पठा देल, अभी 1 आदमी वहाँ से स्टूडेंट में भी राखल छै। ओकरा सबके खाना 2 टाइम खाना 2 टाइम नाश्ता
मेरे साहब अखन तक कोई क्वारंटाइन में कतेक जना के भरना के लिए चाहे डिस्चार्ज केने छे अखन तक हम सब जमा हम सब नो तो 10 आदमी 11 आदमी 11 आदमी 2 आदमी के 3 दिन के बाद पिता पटेली आ काल परसु हम सब वहां के 8 आदमी के टेस्ट करा के सर टेस्ट करा के वहां के काल 8 आदमी के पठे एक आदमी अभी जे अहमदाबाद से आयले ओकरा अभी तक हम रखने छे और हम सब आइस प्रत्येक वार्ड में जे 5 गो स्वास्थ्य चौकी छे और सब के हम तो कहले स्वास्थ्य चौकी डॉक्टर सब के बैठा के कि प्रत्येक जे भी वार्ड में छी प्रत्येक घर घर में जाकर वहां के टेस्ट करे के लागे हम ओहो निर्देशन देने छी। मेर साहब एक और अपने जे राहत के बात उठेलिए प्रदेश सरकार जे विभिन्न पालिका नगर पालिका सब के 15 लाख रुपया देने छे अपने कहलिए 28 लाख के राहत हम सब धनसा जिला में फर्स्ट बटली वो राहत वितरण काज सम्पन्न भ गेलै। हाँ हमर सब सम्पन्न भ हम तो दोसर चरण के आई हम तो बैठक बैठक कर के हम तो आई फिर पूरा हम तो दोसर चरण के भी हम तो राहत दोसर चरण में राहत फिर बंटबे जी। हम कनी काबल चल चाहब नेपाली कांग्रेस के क्षेत्रीय सभापति जीत नारायण यादव जिला जे मेयर साहब कलखिन जे हम सब राहत बंटलिए नगर पालिका में हम सब धुनसा जिला में फर्स्टे सबसे पहिने खुशी के बात छे जे धुनसा जिला गणेशमान चारनाथ नगर पालिका फर्स्टे 15 लाख रुपया मात्र प्रदेश सरकार देने रहे लेकिन 28 लाख रुपया खर्च कर राहत बंटल के ई बढ़िया बात खुशी के बात छे। ई राहत वितरण कोन हिसाब से भेले अपने सबके वार्ड में जीत नारायण जी? जी रानकवाल जी धन्यवाद है अपने के जाई कम से कम देश के ही अवस्था में जी जी जन जन प्रतिनिधि और राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के बीच जोड़ के एगो संवाद राख देली है ठीक है लागी रामकवाल जी के और अपने के ही प्राइम टीवी के से हो बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। खास कर अपने के शुरू में जे राहत वाला जे बात आयले तो शायद हमरा जे जानकारी भेल अपने के बारंबार मतलब निर्देशन के विपरीत प्रदेश सरकार जे वो निर्देशिका देने हैं जी जी कोई निर्देशिका में अपने के सर्वदलीय के व्यवस्था है जी जना सशस्त्र प्रहरी भेले स्वास्थ्य संस्था के प्रतिनिधि भेले विद्यालय के प्रतिनिधि भेले प्रहरी के प्रतिनिधि भेले और राज्य दल के प्रतिनिधि सब के राख के नामावली संकलन होबक चाहिए लेकिन 9 नंबर वार्ड के गणेशे मान के 9 नंबर वार्ड जे वार्ड में हमरो घर है और मेयरो साहब के घर है वार्ड में अपने के सुनली फॉर्म भरा क पहलका दिन केन केन फॉर्म के केन फॉर्म ई मतलब जे कथि कहै छी अपने के गरीब जे ने पाव के लेल राहत पाव वाला के लागी आह्वान क देल के वार्ड में 2 से 2.5 आदमी के भीड़ करा क जे बात के मतलब जानकारी भेल जे सरकार एक दिसन लॉकडाउन करै छै मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के मतलब कायम कर कहै छै लेकिन वार्ड कार्यालय के जे एगो व्यवहार देखलियै जे मतलब 2 से 2.5 आदमी के भीड़ करा के फॉर्म जे भरक वाला अवस्था सुनलिए तो हम मेयर साहब लोग अपने के कारण हमर घर आ मेयर साहब के घर एक एक वार्ड में एक एक गांव में लगभग 2-3 घर के दूरी मात्र छी मेयर साहब लोग सवेरे सवेरे के लिए कली मेयर साहब के की भ रहल है ई तो गलत बात है अपने अभी तक लोग कोनो सर्वदलीय के कोनो मतलब जानकारी नहीं भ रहल है मेयर साहब के लोग जे कार्यालय में जाय छी बैठब वास्तव में मेयर साहब के धन्यवाद है जे तुरंत सब वार्ड में परिचालन केलखिन सर्वदलीय बैठक बजा कर लेकिन फॉर्म तो भरा गल रहे भीड़ तो बहुत चुकल रहे जी तो हिसाब से हम सब बात रख ली लेकिन सर्वदलीय हिसाब से 9 नंबर वार्ड में तकर बाद मेयर साहब के प्रेस भेला के बाद मेयर साहब जरे बात कला के बाद 9 नंबर वार्ड में और वार्ड में से वो सर्वदलीय बजल के बजा कर अपने के नामावली संकलन भेले राहत वितरण भेले पहिलो चरण में बहुत कमजोर रहे बहुत नाजुक अवस्था के जे मतलब व्यक्ति सब रहे उनका सबके पहिलो चरण में वास्तव में राहत वितरण भेले जी ते कतौ शिकायत नहीं है बहुत बढ़िया है रही गेले जी। तेकर बादो हम सब एगो कांग्रेस से नेपाली कांग्रेस के नगर स्तरीय एगो समिति गठन कर के आ 5-7 जना अपने में बैठ कर डेलीगेशन देल गेले मेयर साहब ल तब मेयर साहब नगर में कथी कहे जे अपने के एगो अनुगमन कर के उद्देश्य से नगर स्तरीय सर्वदलीय समिति गठन भेल छै आ जगह जगह पर अपने के मतलब अनुगमन कर रहल छै ते हिसाब से फर्स्ट चरण के फर्स्ट चरण के राहत वितरण भ चुकल छै दोसर चरण के लागी सेहो मेयर साहब कहलक जे आइए बैठक रखने छी जे अवस्था सब अयलै बीच में राहतों में अपने के शिकायत सब भेलै जे चावल घटी भेलै गुणस्तरीय हीन सामग्री सब रहै
से सब मुद्दा लकर नेपाली कांग्रेस नगर पालिका में अपने के डेलीगेशन रूप में गेले और उनका मेयर साहब सुधारो कलकै जे बात अपने के जानकारी कराबो चाहै छै रह गेले कतौ कतौ जी कुछ वार्ड सब में अपने के नेपाली कांग्रेस के डेलीगेशन गेला के बाद सुधारो भेलै जेना 2 नंबर वार्ड में और कतौ कतौ वार्ड में जे मतलब कुछ बाकी रहै त सब में सुधार भक वितरण भेलै आब रह गेले बहुत जगह के मतलब अखनो देखै छी अपने के जे जनप्रतिनिधि सब कम से कम पार्टी से ऊपर उठै जना हम अपने के निश्चित 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 मार्क्स वितरण में जे हम सुनलियै जी 4 दिन 5 दिन तक मार्क्स वितरण भेलै लेकिन अपन अपन नजदीकी हिसाब से मात्र वितरण भेलै शुरू में जी जी बाद में भेलै बाद में सगरे देल के लेकिन शुरू में अपने के अपन अपन नजदीकी हिसाब से मार्क्स वितरण कलकै हम उनका सबके आग्रह करबै मेयर साहब लगात संपूर्ण गणेश मान के लगायत आई तो गणेश मान के कार्यकर्ता खास कर गणेश मान के विशेष कर कहबे जे अपने सब अपन पार्टी से ऊपर उठ के कि कोरोना वायरस जे है नेपाली कांग्रेस के मात्र पकड़ते नेकपा के नहीं पकड़ते चाहे फोरम के नहीं पकड़ते राजपा के पकड़ते से नहीं छे जी जी ई धनी गरीब कोनो पार्टी बच्चा होय बूढ़ होय सब में पकड़ते तै दुआरे हम सब अखनी के समय में राजनीति मुद्दा नहीं उठा कर हम सब कोई ई कोरोना वायरस के लड़ाई में सफल हुई कोरोना वायरस के हराई जेमे सब कोई सहयोग मांगे और हम सब सहयोग देव के लागी 24 घंटा तत्पर निश्चित निश्चित रूप से अखन एक जी 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 निश्चित रूप से अखन के अवस्था अखन के लड़ाई पार्टी से ऊपर उठ के लड़ा पड़ते ई कोरोना वायरस कोनो पार्टी के आदमी के नहीं चिंते मेयर साहब कनिक अपने एकटा ई जी जी दोसर चीज और हम कहत आब शुरू चरण में जे नामावली संकलन भेलै गरीब परिवार सबके जी जी वार्ड अध्यक्ष सब के जे जानकारी हमरा होले सर्वदलीय में बैठक निर्णय कर लेलक जी जी लेकिन बाद में कुछ अपन आदमी सब के नाम सर्वदलीय बाहेक सर्वदलीय मीटिंग के पश्चात कुछ लोग के अपन आदमी सब के नाम थपि के सेहो राहत वितरण में अपन अभिरान के भावना सेहो कतौ कतौ लगै लगत जेना हमरा जानकारी है दू चारि गो वार्ड कहब त हम नाम खोल देब गणेशे मान के कुछ वार्ड है जेमे अपने के सर्वदलीय निर्णय क के द देला के बाद जी जी कुछ व्यक्ति कुछ वार्ड अध्यक्ष अपन लोग सब के सेहो नाम पुनः समावेश करा के राहत वितरण में काम करे लग जे बात सब के जानकारी भेल है एहन बात सब नहीं कनिक अपने के रोकब कनिक अब अपने के रोकब मेयर साहब ल लक जाय फिर मेयर साहब कनिक एकटा जे ई हिनकर क्वेश्चन एले जे 9 नंबर वार्ड के कनिक ओय विषय में क्लियर क दियो अपने जे भीड़ भाड़ क क तकर बाद फॉर्म भरा के नागरिकता ल क एले ई वास्तविक बात की छे कनिक कनिक अय पर क्लियर क दियो मेयर साहब अपने हमर आवाज सुन रहल छी मेयर साहब दर्शक बिन अखन अपने सब देख रहल छी जनकपुर टाइम्स ऑनलाइन टेलीविजन सब प्रसारित कोरोना संकट अब मेयर बोल्नु हुन्छ कार्यक्रम में आई गणेशमान चारनाथ नगर पालिका के नगर प्रमुख राम बाबू यादव जी तहिना वही ठाम के नेकपा के नगर कमिटी अध्यक्ष महेश लाल यादव आ तहिना नेपाली कांग्रेस के क्षेत्रीय सभापति जित नारायण यादव जी के आई हम आमंत्रण केने छी गणेशमान चारनाथ नगर पालिका में किछ अवस्था ओहि विषय में बातचीत करबाक लेल मेयर साहब अपने हमर आवाज सुन रहल छी मेयर साहब जी हमर आवाज सुन रहल छी फर्स्ट में हमरा सबके जे जी 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 ई जे नौ ई नेपाली कांग्रेस के जे क्षेत्रीय सभापति जी जे कोई नौ नंबर के सवाल में किछ क्वेश्चन उठल कि ना ओय के बारे में कनिक क्लियर कर दियो ना अपने जी ओय में जे छ कि हम सब के जे प्रदेश सरकार जे निर्देश आ पठल कि हां जे कुछ लेट हां से प्राप्त भेले जी जी तो हिसाब सब जो वार्ड में रे संगन कहर वार्ड अध्यक्ष निर्देशन देले रे जी जी कि जे गरीब परिवार जे जे आई कमा है काल खाए तीन परिवार सब के वो संकलन का डाटा लाओ के अति विपन्न परिवार जने देला के बाद वहां से तुरंत वहां से फिर आज निर्देश आए हम तो तुरंत तुरंत सूचना टैंक के सभापति जी के भी मतलब प्रत्येक पार्टी के प्रतिनिधि के हम तो वार्ड जी हम विपन्न परिवार के हम तो लिस्टिंग नहीं मांगने तो में कनिक वार्ड आदर्श की करे रहे कनी बदमाशी प्रत्येक पार्टी के प्रतिनिधि के चिट्ठी लिख के हम सब पर अपनो हम
नौ नौ वार्ड में हम सभापति जी हम सब बैठ के दू दू तीन दिन घर बैठ के पूरा छनौट कैली। छनौट कर हम सब जे पावल है तेरा सबके मात्र हम सब देली। फर्स्ट चरण के जे कुछ कुछ वार्ड में नौ नंबर वार्ड में एक नंबर वार्ड में सबसे बेसी बदमाशी एक नंबर वार्ड में किसी मंत्र बदमाशी के नहीं वो तो घरे में बैठ के आए के वो संग्रहण के लिए हम सब विवादों कुछ भेले हमें आवे ल विवादों कुछ भेले हुए हम तो अपनों के लिए जनता से कुछ आक्रोशित कर लाए तो पुनः वहाँ से हम सब वो अथी रहे डाटा रहे लोग हम तो थाना बैठ कर हम तो छल फल कर नेपाली कांग्रेस के बैठा कर नेकपा के बैठा कर हम तो छल फल कर पुनः लिस्टिंग चेंज कर जो पावर वाला व्यक्ति सब हम सब अहाँ के दिल्ली तक पर नाम से बोले जे पर नाम लिखल रहे तने उस तक नहीं बवाल के लगे कने हल्का फल्का कने तो मन में भेले कोई के हम तो पुनः सुधार के काम सब अहाँ के परसुए हम तो मोटा मोटी अस्सी 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 पर काम सब अहाँ के वो वार्ड में बढ़ते जना कि सात नंबर वार्ड में भी हमारे पार्टी के टीका लगा वो रहा है वार्ड अध्यक्ष सात नंबर वार्ड के भी बदमाशी के ने कोनो पार्टी के प्रतिनिधि अहाँ के नहीं पड़ा सही करा लेने चाहे आ लिस्टिंग अपने हिसाब से हम अपने के लिए फाटल तो लोग विवाद भेले तो सबको समझा बुझा कर बहुत अहाँ के लगभग 75 बोरा फिर प्लस छप जो छूटल रहे व्यक्ति रहे 75 बोरा बहुत छप अहाँ के रात में जो बीच में अभी मतलब दो वार्ड में नौ नौ वार्ड में फर्स्ट में विवाद भेल रहे अपने हम जाकर वार्ड में बैठ कर दू तीन घंटा हम सभापति जी से बैठ कर चारू पार्टी प्रतिनिधि बैठ कर सच्ची आकर हम सब सहजपूर्वक नौ नौ वार्ड में एहन विवाद सुनता नहीं भेले बेर में विवाद मध्य में बदमाशी के एक नौ वार्ड तो सात नौ वार्ड दोनों वार्ड के नहीं भेला कभी कखा बखा जे कहला सभापति जी कहला का डेली बात है कि पार्टी हिसाब से अपने के राहत आ के कनिक अब हम नेकपा के नगर अध्यक्ष छथि महेश लाल यादव हुनका लग लए चाहब। महेश जी अपने के वार्ड में ई कोरोना के अखन के अवस्था की छै और ओहि ठाम नगर पालिका के भूमिका केहन सब केहन देखलिए अपने नेकी छै अखन? सबसे पहले अहाँ के धन्यवाद दिए चाहब जी जी ई कमती में गणेश मान चारनाथ नगर पालिका के समस्या के ल के जनता के जानकारी कर के ल के अपने जे हमरा आई इंटरव्यू में बजे लेते के लागी आई टीम के हम विशेष धन्यवाद दिए चाहब जी जी धन्यवाद। अइला वार्ड के समस्या क लिया वार्ड के अवस्था अइला कुछ दिन पहले सर्वदलीय समिति भका आज के नाम संकलन हम सब पठ लिए नगर पालिका में जी जी अइला कनी गड़बड़ कत हमरा बुझाया जे सर्वदलीय समिति भेले जे नाम जे अला सिलेक्शन भेले नाम लिस्ट में नीचा ऊपरी में सही हो चाहिए जी भेले क्लोजिंग मैनेजिंग में क्लोजिंग होबक चाहिए नीचा ऊपर दुनु मैनेज में तो भेले आ के जे नाम लिस्ट में नाम लिस्ट ने नाम लिस्ट जी राहत के लागी नाम लिस्ट होते में जी जी में ओई में उनी भेले गड़बड़ जनाकनी मेयर साहब कलग ने एक नंबर वार्ड में विशेष गड़बड़ भेले कारण वे आए मेन कारण वे आए एक कारण गड़बड़ भेले अपना अपना मन से थेप दल के हटा दल के हां हां थेप दल के हटा दल के मेन गड़बड़ भेले भगेले नहीं तो सर्वदलीय जना बैठले ओही हिसाब में जीते त नहीं अते जनसंख्या बढ़ते आ गरीब यथार्थ गरीब पावे वाला सब पेबते केकरो गड़बड़ एक नंबर वार्ड में बेसी आले ई गड़बड़ी एक नंबर में बेसी आयल ये तो प्रत्येक सब वार्ड में आयल है ना ये तो नगर पालिका कोनो वार्ड में छूटल कोनो कोनो वार्ड में आ के सौहार्दपूर्ण वातावरण से भेल है संपन्न भेल है काम भेल है जी जी ते द्वारे अखनी सबसे पहले आरो ते के बाद में नगर स्तरीय जो समिति बना जी 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 महेश जी की आवाज नहीं है भैया? महेश जी आवाज डिस्टर्ब महेश जी दर्शक बिन महेश जी के फिर हम सब जोड़ा के प्रयास करब तब हम मेयर साहब ला फिर ला जाए चाहे मेयर साहब एक हम सब समाचार देखने रही दो तीन दिन पहले
जे एक गणेशमान चारनाथ नगरपालिका से एक निर्णय भक नगर स्तरीय राहत अनुगमन समिति या वितरण समिति को भेल रहे पांच सात विभिन्न राजनीतिक दल सब राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को सहभागी से देखने रही हम खास कर बात की केहन समिति से समिति के वना जे राहत वितरण में वना प्रत्येक वार्ड में भी यहाँ के समिति हम जगह अधिक हवे करे चार चार पार्टी हवे करे और प्लस में थप में अनुगमन टोली जी 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 अनुगमन टोली के की भेले अपने के फर्स्ट लॉ एगो जे सीसा पानी वार्ड नंबर पांच में कुछ हम राहत बांटे गेले अपने खुद गेले हम उपमेयर दुनू साथे रहे हम सब और कहीं से कुछ हमारा फोन तोन आये की चावल में कुछ घटी है कहीं कहाँ से के जानकारी भेल हम सब मतलब प्रशासन के राख के अपने हाथ से चार गो बोरा चावल जोखली जोखला के बाद में हमरा से घटी रे भेले तो तुरंत हम सब दुकानदार से लेने रहे हम तुरंत दुकानदार के फोन कीली तो हम कल के कोनो लेबर गलती के होते कह के वहां जरूर बात करब कोई ठीक छै लेबर गलती करने कोनो बात नै छै आइ अंदा फिर एना होतो तो हमने छोड़ब कह के ओकरा वार्निंग देली हमर 410 में हमरा लोडिंग रहे आके वार्ड नंबर 4 के 3 के लागे तो हम आके ठीक बात 3 बजे फोन करी वीरेंद्र जी आके सामान पैकिंग भ गेल हाँ तो लगभग लगभग पैकिंग शुरू हो गया का पैकिंग भ गेल तो हम अपना दू आदमी के कर्मचारी के अकाउंटेंट एगो सचिव के दू आदमी के पठेली कहे आज श्री बाबू कुछ बाजब नहीं आज श्री सामान लोड करो और लोड करे के बाद में हमारा फोन करो 160 बोरा आके सामान लोड भेली ट्रैक्टर पर भेला के बाद हमारा फोन कर 160 वाला मेरे साथ लोड भरे ठीक है लोड भरे तो साहू जी के बोलाओ चारू कोट पर 4 बोरा उतारू उतरला के बाद में सामने में जो जोखरा बाद एगो में आधा किलो एगो में 350 एगो में 300 एगो में 300 चारू बोरा में चावल कमी हमारा फोन के लेना ना बात कि से सब में कमी में चाहे ना बात हम कि ठीक है अच्छा तो तू तो आराम से रहो वो सब तो निकल ली हम वो मेयर बरादर्श भी रहे वो साथ में रंजीत तो बोले चलो मैंने बोला कि चलो वो तो महेंद्र हम कहने महेंद्र का नहीं जाओ हम तुरंत सीडियो फोन के लिए सीडियो फोन करा के बाद में आके महेंद्र पुलिस से फोन के लिए आके 10 मिनट में आके बोला छापा मारी बेले बाद में पूरा ट्रैक्टर सहित आके थाना में चले गए गेला के बाद में प्रत्येक बोरा में आगे 300-350 ग्राम प्रत्येक बोरा में चावल कम रहे तो जाकर थाना में चावल फेसबुक में कित साथी सब के अही के नगर पालिका के सूचना के लिखने रहे कर्मचारी के जनप्रतिनिधि के मिलो मत तो ई कोनो जी लिखने रहे महेश बाबू ने लिखने रहे महेश बाबू जब ऑनलाइन हवे करे वह लिखने रहे जिनका से हम सब कहलिए कि कतो से एहन बात भेले कह के हम सब जना 10 नंबर वार्ड में भी हम चावल राहत रोकली प्रशासन के सामने में वो लगभग कुछ गेले 5 नंबर वार्ड में जाकर हम सब फिर पुनः रोकला के बाद में हम सब चावल घटले तो हम सब आके छापा मारी के बाद 157 बोला अभी चावल अभी थाना में राखल छे ओकरा हमरा सबके कहलके ना के लोग बैठ के छलफल करू गई का मैं उपमेयर रहे आ प्लस वो जे वीरेंद्र जे साहब वो व्यापार से में कोषाध्यक्ष भी अच्छा कोषाध्यक्ष भी छे रामगाल जी कने हम बात तक ने छूट गेली है जी तब फिर हम महेश जी अपने कमजोर चाहब आई के बाद फिर हम जीत नारायण जिला लग जाए चाहब महेश जी की अपने के की अनुगमन समिति में से अपने छिए अनुगमन समिति सदस्य छी अपने हमरा बुझल जाने अनुगमन समिति हम तो ओहिमे कोई समझौता नहीं करब जी जी हां ठीक है ओके बाद हम कहले कि ओरे के मेयर यो बैठक पर बात है ओहिमे महेश बाबू छै कोई हम सब आगे जे चावलों में कुछ शिकायत है वो फिर दुनो वार्ड में चावल के शिकायत है कुछ चावल यानि खुद ही टाइप के रहे हम तो बोले फिर चेक के लिए तो हम तो पूरे अनुगमन समिति 9 आदमी हम जाकर वो दुकानदार के फिर आके ओका से वार्निंग देली हम तो चावल पूरा फिरता कर ली और दोसर चावल हम सब लाइव का दुकानदार आगे बेच रहे थे हिरासत में छै कि छूट गेले वो व्यापारी मेरे साथ कार्रवाई थोड़ा में छै कार्रवाई नहीं कार्रवाई मुद्दा कर दे कार्रवाई मुद्दा प्रक्रिया मुद्दा भाग ले ओका जी जी दुकान तो दुकान में सिलाई माने दुकान देखली वो खुलल दुकान खुल गेले वो देवेंद्र साहब ने साहब जी अभी जे सुना में जी जी जी
मेयर साहब कनिक आब फिर महेश जी लग जाए साहब नेकपा के नेता थे ओ अपन किछ बात रखत आई थत अगला बेर किछ नेट डिस्टर्ब कारण कटि गेलै। दोसर चीज महेश जी के हम जोड़े साहब अपने अनुगमन समिति के सदस्य छी हमरा सबके बुझल जानित अनुगमन समिति खास में की कर रहल छै अपने सब अखन तक की कैलिए अनि एहन गुनासो सब आबि रहल मेयर साहब स्वयं जे कहै छथि एहन एहन वार्ड में भेलै तऽ अनुगमन समिति में रहि के अहाँ की करै छी अहाँके दायित्व की? अब मेयर साहब कह दे लगा अनुगमन समिति जना दू नंबर से रिपोर्ट ले अब चावल कम रहे जी चावल कम है फेसबुक हम लिखल एक आतंक के सृजन आये मेयर साहब के मिले मतो के कहा लिखने रही हाँ तो जना जानकारी आल रहा वही हिसाब से लिख ली लेकिन यथार्थ में वो बात नहीं रहे ऐमे मेयर साहब एक्शन ले ला हाँ मेयर साहब अहाँ एक्शन ले ला फेसबुक में नहीं लिखती तो मेयर साहब एक्शन नहीं लेता हमरा बुझा ला छन लेकिन हवा में लिख लिए और मेयर साहब एक्शन लेलखिन हम लोग के समाचार बने नहीं रहे हवा तो नहीं रहे नगर मेयर साहब के सकारात्मक कम समाचार से बने नहीं लिए हां एना रहे राम गोपाल जी हवा के भर में तो नहीं रहे अई नगरपालिका में कतो दे जिम्मेदारी अई लके सबसे पहले मेयर साहब के लिए पड़ते गलती कोई करो है ना गलती कोई करो जिम्मेदारी लिए पड़ते ते के बाद में कर्मचारी के हिसाब से सबसे पहले हाकिम के लिए पड़ते वही द्वारा कोई न कोई तो कर्मचारी होते कि जनप्रतिनिधि होते वही हिसाब से रही यथार्थ बात वह रहे लेकिन वही में मेयर साहब कर्मचारी सब जे एक्शन जे लेलके पहले अपने जाकर हाँ पूरे पॉजिटिव रहले अई द्वारा पॉजिटिव रहले कि हम सब कनी लिखली तो मेयर साहब कनी तातो लगले मतलब कनी जे हो चाहे एक्टिव से पूरे एक्टिव भेले मेयर साहब अपने से जाकर छापामारी करा कर कमती में आई कार्रवाई में हूँ नहीं तो आई कत्ते वही एक बोरा में 200-250 व 100 ग्राम जो कम रहते तो मोटा मोटी 3500 बोरा कथी कहे बटे लिये ओहिमे अहाँके कते भ्रष्टाचारी तो नहीं तो देखा रहा भ्रष्टाचारी कते वही से ते द्वारा ओहिमे एक्शन लेलकै लागि विशेष धन्यवाद हम तो फेसबुक में फिर लिखलिए कि कर्मचारी के जनप्रतिनिधि के विशेष धन्यवाद कमती अहाँ सब कार्रवाई करके पल के लिए रहें कथी हाँ रहें कथी अखनी जे चावल सबके जखन तो आ रहा है कम्प्लेन जो आ रहा हम सब तुरंत एक्शन ले छी अनुगमन समिति से हम सब तुरंत एक्शन ले छी कि कोयल से बिगड़ले कोयल कत से लेकिन कम्प्लेन आ पड़े आ कम्प्लेन ही नहीं अत तो अनुगमन समिति आ मेयर कथी करते ते द्वारे जना दू नंबर के कम्प्लेन हम सब तुरंत एक्शन ले लिए हम सब मेयर साहब सहित टीमें जाकर वही ल महेंद्र नगर जाकर जेल से सप्लाई हुई वही लग जाकर हम सब तुरंत वही कहलिए कि वही व्यापारी के की एना एना समस्या एना एना है अब हम सब यथार्थ केना है ये गलती है कि केना के गलती के नहीं अहा गलती कने छी कि लेबर गलती कलके उ कलके नहीं सब बोरा में एना नहीं है कुछ बोरा में है कुछ बोरा अगर जब पथारी से धरे जे निशा में रह जाए ना वही में गर्दी फर्दी रह जाए अहा के धरा गेला ते के बाद में से चावल दू किस्म के मिल वाला डायरेक्ट बोलू नहीं फटे के नहीं चाल के होनाते धा दिलके ओकर समस्या रहे हम कहल चावल आई से रिजेक्ट बढ़िया चावल देवे तो अहा के चावल उठाए नहीं तो हम सब दोसर हिसाब से जाए कई का दो तीन गो मॉडल चावल के मॉडल देखल के तो वो चावल ले के तो सबसे अच्छा चावल जो लगल वही हम सब चूज के लिए वो चावल चूज करके वही पैक करके वही हम सब ऑर्डर दिलिए आ उ नमूना के लग हम सब नगर पालिका में कुछ मोटा मोटी आध पाव 200 ग्राम जते वो चावल लगाएल छे नगर पालिका में देने छे कि ज्ञान गड़बड़ करते तो वो चावल जनता के देखेबे ओकरा देखेबे कि आगे चावल ई आयल हा कह के से बात है दोसर रहले कथी जी 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 हाँ दोसर रहले कथी जे अखनी अई बीच में भरतपुर जे 3 नंबर में जे चाउर आखरी वाला चाउर अले आखरी वाला दाल अले उ जे हम सब जे चाउर फिरता करे गेल ओय से पहले आयल रहे चाउर ओय ठाव से आयल रहे तै द्वारे कुछ कुछ बोरा में ओले समस्या ओय चावल सब में देखा ले जब उ चावल बोरा पहले पैक हमरा सब के जानकारी रहत हमसे वो चावल फिरता करा दीतिए उ तो बता गेल रहे आ बता गेल जनता घर में चल गेल ताबू अल्ला सर फिर तो कने कने समस्या है हम सब कल फिरता करबे तो करू हम सब फिरता करा देवे लेकिन उ चार से फिरता नहीं अले ते के से बात है दोसर बात कथी है उ जे अखनी हम सब चाहे छे कि यथार्थ जे गरीब हुआ चाहिए जे यथार्थ गरीब जे पाव चाहिए राहत
कतौ ने कतौ कतौ अति विपन्न अति विपन्न विपन्न लेकिन अहिले समस्या कथी देखलिए कि एकटा दलित है ने दलित दलित के सबके दिए पड़ते अब यादव है बाहुन है क्षेत्रीय है कोरी है तो ओकरा मुंह देख के जे दलित में होने खाने से ओकरा देबे के आवश्यकता नहीं छ और बाहुन गरीब छ तो ओकरा पड़ते तेन अवस्था देखलिए अहिले त यहन अवस्था है कि दलित में अखनी होने खाने भ गेले अखनी यादव में बाहुन में अखनी तो भीख मांग के खा रहले अखनी तो दोसर में काम के खा रहले लेबर कर रहले हमरा के त अब दलित आई बाहुन धनी की सब छोटे आवे के हम जरूरी न देखे छ आप विपन्न अति विपन्न अति विपन्न कोन पार्टी के होय विपन्न के एक क्राइटेरिया बना दिए ओई भीतर में जे पड़ले दलित रहो गैर दलित रहो देबो हां अति विपन्न विपन्न कोन जात रहो कोनो पार्टी के रहो हम सब अहिले सम्मान ढंग से दे कोशिश करे छिए लेकिन अहिले वार्ड से कतो ने कतो बिगड़ जाए लिस्ट बनाबाजी में जो सर्वदलीय समिति जो लिस्ट बना चाहिए उस लिस्ट ने भरले हम अखिन तो कहता बहुत ठाव में एक टा परिवार से तीन जना चार जना सो पहने राहत लेकिन हम सब कल मेयर साहब सब अनुगमन समिति सब हम बैठल रही कुछ साथी सब के समीक्षा करी की केना करी सलाह करी कह के लेकिन अलग घर है नगर पालिका में कते होते था हम सब तो चाली के सबके दे दियो घर से दे दियो धनी को जरा दस बीघा करो आज जरा नहीं करो लेकिन घर परिवार कते तो 8,900 की 700 कते नवासी कते 12,000 मोटामोटी 12,000 12,000 घर में जबकि मोटामोटी 35,000 जते 36,000 जते आए के अखनी बता गेले अखनी एक नंबर वार्ड में 1,000 के लिस्ट आ रहले आरो सब में दो नंबर में आरो हां सब के लिस्ट के आ रहले दो नंबर वार्ड में 500 से 700 के लिस्ट आरो आ रहले तीन नंबर में 200 मोटामोटी के लिस्ट आरो आ रहले चार नंबर में आरो आ रहले नहीं ते प्रत्येक वार्ड में लिस्ट एकदम बढ़ल जाए लगभग लगभग 3-4,000 घर परिवार के आवड़ा है सब वार्ड में जना 3-4,000 जे बता गेला 3-4,000 जे आर बता दे हमरा जन नगर पालिका में सब घर में भ जेते है ना तो कोन घर धनी के केला छोड़ी धनी को के दादी जे लिया वाला होते लाइन लाइक उ जे नैतिकते नहीं होते कि हम राहत जनता का गरीब के राहत खाइब हाथ लगा के खाइब जे ने सोचे वाला होते हम की कर हम तो 10 बिघा लागे हम राहत द देबे मैं से फिर अपने के जोड़ा के प्रयास कर रहा था तनिक हम आप नेपाली कांग्रेस के नेता जी लगा रहे था जब तो एक नंबर के वार्ड अध्यक्ष सुनकर पार्टी के शायद निर्वाचित भेल से बैठा हूं उना तो सब एक नगर पालिका गणेश मान सारनाथ में 11 टा वार्ड के शायद 11 वार्ड के क्वेश्चन है लेकिन एक नंबर के बेसिक क्वेश्चन है जब तो अपने ही के वार्ड पार्टी के वार्ड अध्यक्ष है और राजनीति करे के वास्तव में बिल्कुल समय नहीं है ना अखंड नेता जी 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 एक नंबर वार्ड के यथार्थ बात कहबे ने जी जी खासकर के एक नंबर के बात वाला जे यथार्थ कहबे ओकर धरातल पर पहले विचार करियो ओकर भूभाग देखियो लगभग 80% ओकर भूभाग जे से उत्तरी बेल्ट है जेल अपने के अखनो बुझाइए कुर्थी नहीं होत होते जगह जमीन होते हुए भी जगह एहन छे जे उ मतलब जब तक मजदूरी नहीं करते अपन गुजारा नहीं कर सकते एक नंबर वार्ड उत्तरी बेल्ट में गरीबी हेतै से त बुझलिए लेकिन एकटा मेयर साहब के बात आयल छले बदमाशी कनी भेले ओ गरीबी के त निकाल ही पड़लै जे छै से निकल लेकिन गरीबी रामगोपाल जी दादा जी कहलक बहुत बढ़िया बात छै अभी एगो तीन तलिया कहल जगह है 176 घर के बस्ती छै हम सब अनुगमन गेल है ओहिमे तीन घर मात्र नहीं पा वाला है तै में वहां के जम्मा वाला 9 आदमी के मात्र यहां के राजनीति हिसाब से तीन तलिया नेकपा के गौर 100% दुमत नहीं है जितना सभापति भी था
ओहि में जम्मा 9 आदमी के हाथ बटे अन्याय है वो अन्याय है जे हम नाम तो आगे भी कह लिए राष्ट्रपति शब्द बने लिए कुछ बटली आए के 28 आदमी के कुछ बटने छे ओले करी वार्ड में कुछ कुछ आए के बोलो अब राम चुका के गलती से हुई वाके स्टाफ गलती क्यों है हम वहाँ पूछ ली राम चुका के कि इन इन डिस्ट्रिक्ट करा के लो ए हम बोला के सच्ची पाए वो करे वो अथी कार्य सहयोगी हम ओकरे पढ़ा दिलिए हम कतो नहीं गिरे हम गलत बात छो हम हमने कतो घूम नहीं सकते बुरा आदमी से नहीं घूम सकते अपने के ई अपने के अनुसंधान के नगर पालिका के अनुसंधान के नगर प्रमुख हैसियत से अपने के अनुसंधान के विषय भ सके या कर्मचारी बदमाशी कल की होता कार्यालय सहयोगी वार्ड अध्यक्ष जी ई तो अपने के अनुसंधान कर ही पड़त दोषी के कार्रवाई जे विपन्न जे राहत होला एकदम सही व्यक्ति से उनका सके राहत उपलब्ध करा भी पड़त अपने के हम सब तो कल हमरा सके अनुगमन समिति के बैठक रहे तो हम तो स्पष्ट रूप में सब कहलिए कि पूरे घर दूरी बनाओ ए बी सी हाँ फर्स्ट में ये तो बैठ गया अब दूसरा लौट के बी बी ओ बांटू आ तक में सी जे अत लास्ट में सी ओ के हम सब आ के पूरा घर दूरी में आ के मोटा मोटी हम सब पुका देते हम सब जो कैटेगरी कहलिए कि जरा कि महेश बाबू कहला कि एक नंबर वार्ड से होता है ले कह लूंगा दो नंबर वार्ड से 500 घर आए ले चार नंबर वार्ड से 400 घर आए ले हम कहे नहीं 400 तो नहीं लाव वही में से तो ए बी सी छुटिया 400 ठीक तो 400 आदमी के देवो ए बी सी छुटिया गला फर्स्ट में के पावला सेकंड में के पावला ये लिस्टिंग हर वार्ड वार्ड से तब के हम जो निर्देशन तब को आ सके पठे दियो प्राथमिकता क्रम कर जी जी अपने के जी जी हम जी सर अपने जी जना एक नंबर वार्ड में मिस्टेक वाला बात जे हले ने अई विषय में हम ई कह चाहब एक तो एक नंबर वार्ड यथार्थ में वार्डो नंबर छे जी तेकर बाद ओकर 80% भूभाग लगभग उत्तरी बेल्ट जंगल एरिया में है मतलब उर्वरा भूमि से हो नहीं छे बुझल तै दुआरे संख्या बेसी हेते तै में कोई दू मत नहीं छे रही गेले रामसुख जी एहन व्यक्तित्व छथि जे शायद हमरा बुझाइए गणेश मान नगर पालिका में अगर ईमानदारी के हिसाब से अगर खोजल जाए तो शायद एक नंबर में उनके स्थान है पहला निर्वाचित निर्वाचनों के परिणाम से अपने के वार्ड में 4 वार्ड सदस्य हम सब घुमा लेली और वार्ड अध्यक्ष राम सुख जी अपन एहन व्यक्तित्व छे जैके चलते वो निर्वाचित भेल छे तै दुआरे उनका बुते जाना जान एहन भूल भेले नहीं हेते एकर हम विश्वास के साथ कहे छी और जे भी अगर भूल होते कर्मचारी बुते भेल होय कार्यालय सहयोगी बुते भेल होय ओकर सुधार के लागी फेर हम सब नगर पालिका में नगर समिति जैसे अनुगमन समिति वही में हम सब गणेश गणेश जायसवाल दादू के देने छी वो व्यक्ति अते अते एक्टिव छथि अते सक्रिय छथि कि हमरा जरे कम से कम 3 बेर 4 बेर बापो होइए गणेश मान के 11 वार्ड नहीं गणेश मान के 11 वार्ड में प्रत्येक वार्ड के हम वार्ड सभापति वार्ड के उम्मीदवार और अन्य मेन मेन साथी जब संपर्क में छी कतौ कोनो किसिम के त्रुटि होय ओहि त्रुटि के सुधारल जाए आ सुधार के हम सब अगाड़ी बढ़ी रही गेलै एगो चीज आओर कहब जे पहिलो चरण के राहत वितरण भेलै अति विपन्न सबके लागी ई समय जे अपने के हम सब 10 किलो चावल ओहि में आधा किलो 300 ग्राम घटियो भेलै लेकिन ऊ तो आ के लगभग अते जल्दी से चली गेलै जे आब आ के पुनः ई लॉकडाउन अपने के बढ़ते जा रहल है मेयर साहब के हम अही मंच से अपने ही के माध्यम से हम कह रहल छी जे आब आब वाला समय के लागी एगो नमहर पैकेज लायल जाए आ पूरा नगर पालिका में ढंग से राहत वितरण होय वास्तव की विपन्न व्यक्ति सब जे नहीं छूटे पुनः एक मतलब दोसर चरण में जन आई कहलखिन के बैठक है ओय के लागी अपने आई पुनः बैठक में प्रस्ताव लाइब के दोसरो चाहन दोसरो चरण के राहत मतलब ढंग से वितरण होय जे हम आग्रह करब और एक नंबर वार्ड है और वार्ड में अगर कोई मिस्टेक सब हेल हो धोखा से हेल हो उस सब के सब क्या जाए सभापति जी जितना जी कहल जाओ जे अपने कहले ने राम सुख ईमानदार छे हम हुनका पर बहुत विश्वास करे छे हुनका पर कोई प्रश्न नहीं भ्रष्टाचार है के का कोई प्रश्न नहीं कर रहा राले कति छूट भेले जे नाम लिस्ट जे आवा चाहिए शुरू में जे प्रत्येक गरीब परिवार के जे नाम लिस्ट शुरू में तो हमरा नहीं बुझाए कि मेयर साहब कहते हैं नहीं देवे कहीं का दीते मेयर साहब लेकिन नाम आ पर दी कि नाम नहीं ले समस्या होता है नाम टाइट गए ले कम गए ले नाम वो कर मात्रे दुख है यार दुख कत ना दुख कोई ला
अखनी आ के 1000 आदमी के नाम हो तो मेयर साहब के दिए पड़ते है द्वारे के ऊपर अवस्था दोसर है कदी के भौगोलिक दोसर है मेयर साहब के देही पड़ते नहीं देबक हुनकर मनसाई रहती अतेक राहत वितरण में चाहिखे नहीं रखथिन अतेक राहत नहीं बनते रहले कति नाम नाम ने लिखी समस्या से बात है जना तीन तलिया के मेयर साहब ने कल के नेक पके गटे ने कतौ ने ओइला तीन तलिया मात्र ने ओइला लालपुर छै दू चार गो गांव एहन छै जे ओइला नेक पके पूरे गटे लेकिन लालपुर जो 6 गो बचे देने छै लालपुर में क्षेत्र 86 घर में जमा 6 आदमी दे छै जबकि उठा पूरे नेक पके गट से लेकिन 6 आदमी ओइला से पहिल के से बात दोसर तीन तलिया में एक 76 घर कते घर है वही 7-8 12 आदमी कते पहल के से बात वही जबकि 90.9% पाव वाला ठाव है वो तीन तलिया लालपुर में लालपुर में 85% से बेसे पाव वाला ठाव है वो लालपुर बरु 76 भी गाय बरु मोटा मोटी 10-15% पाव वाला अवस्था हो सके लेकिन लालपुर या वो तीन तले एहन ठाव है कि वही घास काट का आ दौरा क के वाला आदमी खाए लेकिन ओइल छाटल गेले ओइल बतवे हमरा सब के दुख है कि ओइल नाम केला ने ले नाम सब के ते वाले हां शुरू में अपने के शुरू में ही बात के जवाब देने छलिए जे शुरुआती चरण में कोनो भी वार्ड में अपने के सर्वदलीय बैठक नहीं भेले नामावली संकलन के संकलन के बेर में वार्ड अध्यक्ष सब अपन कर्मचारी मार्फत अपन सहयोगी मार्फत संकलन कराल के तई के चलते छूट भेले ई चीज छूट जे कहबे ने वार्ड अध्यक्ष जी हम आगे और बात कह लिए जे रामेशुख जी एहन व्यक्ति छथि जे शायद हमरा में सब है पार्टी के लोग उनका वोट देने छे उ पार्टी छुटिया के चलो वाला लोग के नहीं छे जे अपने जन भरतपुर के लोग छी अपने के और उनका विषय में विशेष अध्ययन हेते तई दुआरे जाना जान पार्टी के हिसाब से छोड़ल गेल है एना जीत नैन जी पार्टी तो वोट नहीं देन होते व्यक्ति तो वोट गए सब पार्टी वोट गाउ दे सब पार्टी जे वोट दो तो थोड़ा समस्या होय देन ता अपने सब वोट दे आए पार्टी वाला था आगे ने देता अपने सब आग्रह करब एठाम अखन राजनीतिक बात नहीं करी राजनीतिक बात कर अखन समयो ने हमरा आ के कोरोना के विषय में एक कोनो पार्टी है एक जुट भ के लड़ी राजनीति से ऊपर उठी से आग्रह करब एठाम राजनीतिक बात हम सब करे ने रहल छी राजनीतिक बात नहीं करब से अपने सब अपेक्षा से होय जी जितना इंजे से एकटा चीज और जोड़ चाहब जे अपने तखन शुरू में 9 नंबर वार्ड के से बात उठेने छलिए जे कत 9 नंबर चाहे कोनो वार्ड में जे ई कह अपने सर्वदलीय बैठक शुरू में नहीं बैठले वही के परिणाम 9 नंबर में भेले जी 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 शुरू में बस जना मतलब पहले होबक चाहि नामावली संकलन अति विपन्न के तही टाइम में राष्ट्रीय पार्टी सब के मतलब बैठा ली थे गांव दो चार को प्रमुख पार्टी के बैठा के जे नामावली संकलन करते तो शायद हमरा बुझाई छूट-फूट नहीं होती नागरिकता के फोटो कॉपी ले दू गो फॉर्म भरे दू गो फोटो कॉपी ले आ फोटो कॉपी पर अपने के छाप ले निवेदक जरे आवेदक बना के सिग्नेचर ले तई दुआरे हम अपने सुने में कह लिए जे हम त ई बात जब सुन लिए तो मेयर साहब लगे लिए जे मेयर साहब ई तो लॉकडाउन के विपरीत काम भ रहल है जे अपने अविलंब सर्वदलीय समिति बना के सर्वदलीय द्वारा अपने के नामावली संकलन होय तब मेयर साहब लेकिन पहल क के सर्वदलीय समिति ताबे तो रहे फॉर्म भरा प्रयास रहले में जी सरकार हम पूरा करबे केलखिन त तुरंत कहलिए मेयर साहब तुरंत वही दिन निर्देशन कल के सब वार्ड में सर्वदलीय के बैठक आ तो फॉर्म रहे भरा गेल भीड़ तो भर चुकल रहे तो वो भीड़ के तब मैं हटा नहीं सकती थी जो एक दिन पहले भी निकल रहे तो तही तहत हम सब पुनः मेयर साहब बैठली हमू बैठली सब पार्टी के लोग सब बैठली आ वही फॉर्म में से संकलन क के अति विपन्न रहे तक के मतलब ख ख में रखली अति क में पहले चरण में बाकी के दूसरो जी दूसरो चरण ख में पार ली आ तही तहत अभी हम सब क के वितरण भ चुकल है ख ख चरण वाला के बाकी छे आ जे कुछ जे आदमी फॉर्म अपने के नहीं भरने रहे तीनको सब के हम सब अपने सब पार्टी के साथी सब बैठ के एगो गांव में अनुमान क सर्वे कली एगो मतलब प्रत्येक वार्ड वाइज मतलब टोल वाइज सर्वे कली जे पाव वाला व्यक्ति फल्ला फल्ला छे उ फॉर्म नहीं भरने उनका सब के दोसर चरण में पाइर के अपने के निर्णय क सर्वदलीय निर्णय क से हो नगर पालिका में पठा देने छै उ राहत कहिया तक वितरण होते जब आपके तो मेयर साहब कहता कनिक मेयर साहब के जरूरत है बाब
गणेशमान चारनाथ नगरपालिका में राहत वितरण भगल सबसे खुशी के बात सुखद समाचार ये सबसे पहले अपने के लगभग लगभग किछ गड़बड़ बाहर लगभग लगभग बनिए सकारात्मक के बात किछ परसेंट गड़बड़ है वो जल्दी अपने सब समटक प्रयास करब से अपेक्षा रखे दोसर चीज मेरे साहब जोड़े चाहब हम क्वारंटाइन के विषय में लदाय चाहब जखन सबसे बड़का फर्स्ट स्टेज कोरोना के क्वारंटाइने में भर्ना कल जाए जरा संक्रमण के आशंका देखल जाए हम सब परसुखन एक सवैला नगर पालिका के मेयर साहब के जोड़ने रही वो हमरा सब के कहने रहती इंटरव्यू में जे हमरा सब संगे बातचीत के क्रम में जे हमर सब के नमूना क्वारंटाइन जिला में अपने सब आब के एक बार विजिट कल दौ एकदम वो बड़ाई कने रहती अपना जनतव्य प्रयासों के नहीं बनाब के मुदा हम सब कल हम सब टोली चार जना के समूह में गेल रही हम सब भ्रमण कर वहीठाम हम सब जै हिसाब से कहलखिन वही के 10 या 20% हम सब जतलिए नमूना नाम के मात्र कहने रहती 20% मात्र हमें बुझाएल वहीठाम एहन अवस्था रहे जे वहीठाम बैसे वाला स्वास्थ्य कर्मी के मास्क तक नहीं पहनने रहे ग्लोव्स नहीं रहे जखन स्वास्थ्य कर्मी से पूछलिए कल नगर पालिका किछ नहीं उपलब्ध करेनी सैनिटाइजर समेत हाथ धोबल नहीं रहे वो सब कोरोना के जे संक्रमण के आशंका क्वारंटाइन में भर्ना कहें हुनका सबके चेक जांच कर जाए डराई छे लग में जेबे नहीं करें वहीठाम के क्वारंटाइन से की अपेक्षा कल जा सके एक के अवस्था के की गणेश मान सारनाथ में एक क्वारंटाइन के वही हम सब आके अनुगमन में हम सब आके आई से 8 दिन पहले सीडीओ साहब के अध्यक्षता में सीडीओ साहब एसपी सब आके पूरे नगर पालिका जो 18 नगर पालिका में मध्य में एगो सबसे फर्स्ट में अपने के वो कति शहीद नगर पालिका वो अल सेकेंड में हमार गणेश मान सारनाथ कि सीडीओ साहब सबके अवस्था में यहाँ के अनुगमन टोली रहे वही हमू गए अहाँ के सगलों के मेयर साहब रहे शहीद नगर के रहे वो कमला कमला के सब मेयर साहब हम साथे रहे हम सब मतलब फर्स्ट में शहीद नगर पालिका सेकेंड में गणेश मान सारनाथ जो सीडीओ साहब स्पष्ट रूप में कल के आ वो में हमारे सबके नगर पालिका में इतने सुविधाजनक है प्रत्येक बेड में आ के झूल नया आ के बेड हम तो अपने सब गोल बराजा कीन के लाइव के पूरा आ के बेड रखने से हर में एकरा झूल 3 दिन तक हैं जो भी ना हो आठ हो हम सब आ के पीपी जैसे तो हम तो काठमांडू से एक बार पंगेली वो पिता बगल आ के डूबे के लिए पढ़ा दे हम तो पिता पढ़ेली फिर विराट नगर से ब्लैक से कीन का आ के 9 टा आ के जे डॉक्टर से लगवे आ के 9 टा भी हम तो आ के स्टाफ में भी रखने से डॉक्टर सबके सुविधा भी देने से सैनिटाइजर पानी के 24 घंटा वाला यहाँ के दुखनी हॉस्पिटल में वाह बहुत निक बात कली कि अपने के जे टीम छे एक दिन आब के पुनः ही देव अब झट्टे आब के चेक कर के वीडियो कर के और कर भी तो और हमने कनिक सहानुभूति हो देखी हमें बुझाए एहि द्वारा अपने के हम प्रसंग उठे लिया जे सबैला नगर पालिका के बेड के व्यवस्था हुए चाहे दूरी जे मेंटेन केने रहै जे बिरामी सब टेबल लगे नै छै ओरे टेबल जे कुछ बिदार से पड़े छै बने हम सब गेल हम के अनुगमन में टेबल नै है बिदार से पड़े कोई पर जाजे बिछा दे अच्छा अच्छा और जाजे बिछा दे निक रहे खास करके स्वास्थ्य के सामग्री सब में अभाव देखने रहिए दोसर चीज अपने के हम थोड़ा चाहब एकटा आरो जे अपने के नगर पालिका में आयल जे विदेश से आयल हुए वैदेशिक रोजगार से घूमल आदमी सब विदेश से स्वदेश घूमल तेसे चाहे भारत से आयल आदमी सब के निगरानी कर के चाहे क्वारंटाइन में भर्ना कर के प्रयास में कते अपने सब अखन तक सफल छ हम सब प्रत्येक वार्ड अध्यक्ष के जे अभी अनुगमन समिति भेल से आ प्रत्येक पार्टी प्रतिनिधि के हम अपने सब घूम रहल छी जे हमर सब के जे हाकिम छ जे अभी मित्र प्रसाद काफले काल्हि हम सब अहाँ के जे अनुगमन समिति वो काल्हि बातो रखलिए कि आयला चाहे 5 दिन भग गए अभी तक हमारे भेंट नहीं करे अभी तो हम गेट में खड़ा भेला के बावजूदो नहीं भेट रूम से नहीं निकले छलफलो कल भेले हम अपने से प्रत्येक वार्ड में जे राजदो दल कहत महेश बाबा जीते जी प्रत्येक वार्ड में राशन वितरण में प्लस जे काल्हि काल्हि के घटना हमरा सबके जानकारी भेल अपने से हम आगे से ठीक 12 बजे जाकर कि जदू कहा के पास मन आबि के एगो पार्टी के रहे महेश जी से भी तुरंत रहबे करे हम तुरंत अपने से जाकर आप पुलिस पठा के ओकरा खाइते खाइत रहे पूरा पुगली उतर थरिया छोड़ के आन के सब एक आदमी पकड़े ले जी जी यानी हम अभी कोई हम सब बहुत आ के हम सब हमारा राजनीतिक दल से बहुत सब आदमी साथ दे रहले कि जे भी अबे है तो हमरा जो राखी मिले मैं फोन करे हर पार्टी प्रतिनिधि सब की हमरा जगह दिल्ली चाहले हम सब तीन तली ओतर से घोरन तृतीया से एगो हम तो राशन भीतर गए जानकारी
तीन दिन पहले रहे अहमदाबाद से ओकरा भी लाइव पर भी अभी वहाँ फर्स्ट बच्चा अभी लड़का है अभी अथी लामा है ओकरा रखने से अभी हम सब अनुभव में वही हम सब बहुत टाइट से जी धन्यवाद अपने हम हिनका दोनों गोटे के जोड़ था तक फिर अपने लाइव हम जीत नारायण जी के कनिक जोड़ब अपने के वार्ड में विदेश से आयल चाहे भारत से आयल सबके अवस्था की है दोसर चीज एक अखन जो सोशल डिस्टेंस सामाजिक दूरी कायम करे के अवस्था तेमें हाट बाजार के अवस्था खास काला बाजारी के अवस्था की जीत नारायण जी के कनिक अपने क्षेत्रीय सभापति नेपाली कांग्रेस के हिसाब से कनिक क्लियर करिए जी राम पुकार जी एक विषय में खास करके भारत के विभिन्न जगह से आये लोग सब जी जी विदेश विदेश के तो आवत जावत बंदे भ चुकल है अभी शुरू में अपने के नौ नंबर वार्ड में एगो समथिन रामवरण यादव महादेव जी के लड़का आये रहे उनको जांच में पठबैली तकर बाद मुसहर यादव के लड़का दिनेश यादव है उनको जांच में पठैली विदेश वाला जे रही अपने के आई मोटामोटी इनका सबके लगभग अब एक महीना से सवा महीना से ऊपरे भ रहल है जनकपुर अंचल अस्पताल में पठा कर चेक चाक करा कर कोनो लक्षण नहीं है ठीक है अभी तक घरे है घरू हम सब निर्देशन दे देने की अपने घरू हिल मिल कर नहीं रहू कहीं अलग दूरी बनाकर रहू अब विदेश से इंडिया से परसों सुनने रही मुसलमान टोल में कोई आयल रहे बाहर के आदमी उनका तुरंत पुलिस के खबर के लिए पुलिस गेले किनको गेस्ट रहे चल गए बेचारा बाहर के आयल पर तुरंत प्रत्येक टोल में आदमी रखने तुरंत के तुरंत जानकारी हो चाहे वही आदमी के पूछताछ कर सीधा क्वारंटाइन में जाए वाला वातावरण बनेने हम सब जना अपने के मुखिया टोल में आये सुनते मुखिया हालांकि वो 10 नंबर वार्ड है उनको अपने क्वारंटाइन में जाकर कराकर डॉक्टर के निर्देशन मुताबिक कई दिन क्वारंटाइन में बैठल ग आ तो हिसाब से तकर बाद वो इंडिया से आयल चल गए 9 नंबर में अनवर राइन समथिंग ओकर पोता उनको सबके क्वारंटाइन में रखवा कर तकर बाद सब अहुन ठीक है आ अभी तो इंडिया के लोग सब लगभग लगभग काम कर गेला सब नहीं है अब ये तो तुरंत के तुरंत जानकारी हुई हमरा सबके तुरंत पुलिस पठबै छी एकटा काल के जानकारी मुताबिक मुखिया टोल में एकटा समथिंग झम्मा कहल मुखिया है उनकर कोनो गेस्ट आयल छै उनका लगन आदमी पठेली लेकिन वो आदमी कहीं जथाभावी बजला के बाद आई सवेर में पुलिस गेल होते वही आदमी के नियंत्रण में लग उनका चेक जांच होते चाहे फिर दाखिल जाते अभी तक लग मोटा मोटी हम सब प्रत्येक वार्ड में सुरक्षित मतलब कि सुरक्षित छी आ सकवर सकरे टोल टोल में आदमी परिचालन कयने छी जे एहन जी सतर्क छी पूरा मैसेज अब रह गेले हाट बाजार वाला विषय में जे कहलिए ने गांव घर से कतबो करे छी कतबो प्रयास कयला के बाद एक दू गो बाजार कनी बिगड़ले लेकिन आइए फिर बाजार से हम सब कायदो सर सलाह के लिए राजनीति दल के हिसाब से सब पार्टी चारू पार्टी के चार आदमी बैठ कर रोड में मोटा मोटी सरकार के नियम तो 3 फीट लेकिन हम सब चाहे कम से कम 10 फीट के भीतर में 10 फीट 15 फीट के दूरी में एगो व्यापारी बैठे बाजार तो लगा भी पड़ता है प्रशासन के सहयोग लगकर सामाजिक दूरी कायम करे तो करबे तो निकलते हैं जी आई उसका बाजार से अपने के शुक्र से नहीं आया बरमजिया बाजारो छे तो के लगभग आई हम सब समय में वार्ड अध्यक्ष के रोबर में मेयर साहब सब टाइम देता मेयरों साहब के राख कर हम सब अपने राजनीति कर्मी या प्रशासन के राख कर सामाजिक दूरी के मद्देनजर रखे बाजार का तो संचालन है निक प्रयास मैथिली के कनी जोड़ब हम अपने के नगर अध्यक्ष से होती अपने एक जिम्मेवार पार्टी के काला बाजारी के अवस्था की देखे गणेश मान चारनाथ नगर पालिका में तकर बाद अन्य अन्य विषय सब जना आई में विदेश एक भेबे करे जे बहुत ठाव 25 दिन के लॉकडाउन फसल जे कथी कहे छे यात्रु सब छे जे ओ अपन अखन पैदल गाड़ी घोड़ा के साधन नहीं भेला कारण पैदल जा रहल छे अहां सब के नगर पालिका हाईवे में पड़े हाईवे होइत जायत हेतै अहां सब के ओकरा सब के सहजता के लिए की प्रयास है आ कालाबाजारी के दोसर ई दुटा विषय अपने से अइल कालाबाजारी पहिले जी का अब स्वाभाविक बेसी होते लेकिन हम सब अनुगमन पूरे टाइट कने छी हम सब मेयर साहब सब लगाए के हम सब टोली सब ठाव ठाव में कनी कारा कने छी लेकिन बाजारे बंद है पूरे बाजार बंद भेला से कनी जनता के समस्या तो छे लेकिन है कथी कुछ अब 1 रुपया 2 रुपया हम कतौ कतौ देख रहल छी कतौ कतौ
एक रुपया दू रुपया तेल में वा, खाद्यान्न वस्तु सब में हम देख रहा छे रिचार्ज कार्ड सब में होते। हाँ रिचार्ज कार्ड सब में जना एनहर हाईवे साइड में नहीं देख रहा छे नहीं रहा छे नहीं नहीं ले छे है ना जतबे ततबे समस्या कत एनहर गाँव घर के जो बाजार सब है ना गाँव घर के बाजार सब मतलब बाजार से बेंदर से लगे वो हाईवे से लगे लेकिन गाँव घर के छोट बाजार सब कनी कुछ समस्या करे छे कुछ समस्या कतम देखलिए अब कनी मनी छोट खुदरा बाजार खुदरा सामान रखे छे वही में एक रुपया दू रुपया कोनो सामान बढ़ा के ले लेल गाँव घर में तो देखबे जाने जाए तो पहले एतबे दे छे एते दे छो नहीं तो हल्ला हो जाए छे समस्या से है। लेकिन हम सब तो टाइट हम सब कहने छे कि कमती में जे लेने छे सुपत रेट में कमती में एहन संकट के घड़ी में दियो है ना। अब एहन संकट के घड़ी में सब बेमाने भजेबे सब कमाही लगबे जनता के सब धोखे दिए लगबे तो संकट के कुछ एक अर्थे नहीं रहते। संकट के मतलब सब गोरा सहयोग करियो अपना अपना हिसाब से सब सहयोग कक जनता के सुलभ तरीका से हाँ पुगा दियो दियो एक व्यवहार करियो कह हम सबसे आग्रह करे छे। आ हम एक वैसे पहले फेसबुक में लिखने रहिए कि अनुगमन हम सब कतौ जाए कनी देख तो हिसाब से कनी टाइट एक्शन तो होबे करत लेकिन पकड़ाए तो कर बहुत नकारात्मक असर पड़त कह हम सब कहने रहिए अखनी से बात दोसर अखनी अब विदेश वाला में अभी हाईवे बृंद बाजार हाईवे है हाईवे में पूरे मेसी से महाकाली के आदमी देखते रहे जाए जना पहले अपना सबके बोलबम जाए छे लेकिन नहीं हम अखिन तो लहरे देखे छे जाए बहुत गरीब सब देख रहा छे। हमरा कल एक ट्रैफिक के साथी कहल कि अब बहुत दूर से बोलू सब अबे है हमरा कहल सर फलना ठाव जाए के है माया लग जाए तो कोनो माल वाला ट्रक अबे कोनो अबे में चढ़ा दे छे पहले बॉर्डर पर जाए छे तो उतार दे अब बॉर्डर जना अब कमला बॉर्डर भेले धमसा सिरा आवे लग गेल तो कता ने टप देला ओ कता से कता ने टप देला अब आदमी सब आई कता रह गेल आई कता रह गेल तो फिर खाए के समस्या। हम अध्यक्ष जी ओले के रितेश सिंह गणेश कुमार सिंह अध्यक्ष है आठ नंबर के ओले हम जीतो दाजू रहे अमी और साहब रहे तीन बार रही बर्मजिए में ओले वह प्रसंग उठले तो जे हमरा और के वार्ड में जब फाजिल आदमी सब कत कत सबे है तो हम सब लोग ओकरा और के खाए पिए के व्यवस्था कर देने छे अपने से करो खाओ कह के सब व्यवस्था कर देने कह के अध्यक्ष जी कहने रहे हम कहे ठीक है कमती में जब बाहर के आदमी अब वही ठाव में जे रहे तो वहाँ खाना दे देवे ठीक रहते लेकिन सुरक्षा के साथ है ना आप ओकरा लापरवाही छोड़ देवे हम अहाँ जरे पूरे अथी करबे तो नहीं होते ते दुआरे हुनका सबके आप बॉर्डर अहाँ के पड़े तो अहाँ के कनी कमती में खाना पीना के व्यवस्था कर दी कह के बात भेल रहे। बात ये सब है अब हाईवे है तो अपना और के तो स्वाभाविक आदमी सब जाते है पे रहे वन आवश्यक पड़े तो सहयोग करे वाला सब करे छे सहयोग जी महेश जी। अब मेयर साहब ला कनिक ल जाय साहब हम मेयर साहब अपना सब अंत अंत में आ गेल छी अब लास्ट के अपने के अंत करब हम समग्र में अपने के सराहनीय काज कर गेल अब ई एक टा चीज अपने क्लियर करे त तक बाद नगर वासी के की संदेश देबे से करे त अपने अंत करब जे अपने के कालाबाजारी के बात उठले खास से ओहने देखल गेल कालाबाजारी के नियंत्रण करक लेल अपने केहन प्रयास केने से जे अपने नगर प्रमुख क्षेत्र से क्लियर कर के सबसे अपना से के तरा एरिया बिल्ड जे छे अपने के ताकि एगो हम एगो बिजनेसमैन एगो हम दुकानदार छी बिजनेसमैन चार रात में वही में हम तो हम अपनो दुकान पर भी रही गई समस्या वाला की छे अपने के जना इंडियन सामान से इंडियन सामान में जना कि प्याज आलू इस सब सब इंडिया से आ रहा है तेल वही में कुछ जहाँ तहाँ कालाबाजी पर रहा थे ताकि वो हमसे पूछल ही होगा तुझसे ना क्या करे सब दुकानदारी के हम अपने दुकानदारी करी तो हम सब बिल देख लिये ओकरा जे अब तेल अहाँ के 163 रुपया वही के लगा को सब 170 रुपया लागो भे तो हम तो क्रिकेट लागि 160 170 रुपया करा तो मंगे छने एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे छे तो कई सामान में सामान नहीं एक्स्ट्रा पैसा देली तो सामान दे है होलसेल होलसेल वाला सब नहीं दे सामान नहीं दे छे तो ई लग अपने के प्याज आलू तेल समस्या लोग के डिस्चार्ज के वो वीडियो में आके
जानकारी भी जे अपने रखबे रिचार्ज सब एत ब्लैक मेल भरल से रिचार्ज तो एगो अभी तो फैशन भगल से अहाँ के घर गाँव से लग कर बच्चा से लग कर घर तक फैशन जगह अ मतलब सरकारी नहीं किने आए वो रिचार्ज किने अभी हम देखे 20,000-25,000 के हमारा भरोसा जगह में 25,000 के रिचार्ज अब एक दिन नहीं टिके एको दिन नहीं टिके आगे जे अभी 50 रुपया आए मतलब 60 रुपया कहो तो यो लग जाए दिन स्थिति है तो अभी ब्लैक से अहाँ के रिचार्ज अहाँ के मेन डीलर सब है अहाँ के महेंद्रनगर में उस अहाँ के सीधे अहाँ के 25% 30% थेप के अहाँ के लबे तो हम कहली दोकानदार तू एना के कौन जरूरी के लाब बंद बंद कर दो तो की करबो नहीं देवे तो पूरा लाभ न हो एकदम मतलब नेपाली सामान में हमारे गणेश मान चारना तो लग लोग कहीं आगे नहीं कुछ इंडियन सामान में तेल प्याज सब में कुछ आ के 5-10 रुपया मोटा मोटी मतलब ट्रांसपोर्ट खर्च भी कुछ ज्यादा है तो हिसाब से जनता को बुझ दिया पड़े कि अब अभी ट्रांसपोर्ट खर्च आगे ड्राइवर सब कुछ पिटाई खाकर जहाँ तहाँ से थोड़ा छिड़वा कर अभी तो ड्राइवर सब अहाँ के बेसी भाड़ा लै है तो हिसाब से 2-10 रुपया इंडियन सामान बाहे नेपाली सामान में और यहाँ नहीं है और जो आपने कहल गए वो हमारे नेपाली हमारे ग्रेसमान चारनाथ में काल्हू हम सब अहाँ के एगो वार्ड नंबर 4 के पोखरा में रहे 8 आदमी वाला के लेबर क्लास के आदमी फंसल कल तुरंत हम सब ओत के सीटियो जोड़े समन्वय कोलोक सीटियो जोड़े समन्वय अपन गाड़ी पठा कर काल्हे अहाँ के हम सब हम सब जे हमारे हमारे वार्ड में जे भी नेपाल में इंडिया से अलावा कहाँ से के आदेश नहीं है जे भी कोनो भी जगह में जना काठमांडुए में छे कतौ हमरा नगर पालिका के दोका सब के सीटो जे समन्वय क के हम सब गाड़ी पठा कर हम सब अहाँ के लाभ के व्यवस्था भी ओके अंत में अपने नगरवासी के नगर प्रमुख हैं से सब नगरवासी के कुछ संदेश देव चाहे मैसेज एकदम हम अभी तक भी नगरवासी के पूरा ही कह रहा छी जब तक उस जे संकट कालीन छै अहाँ सब धैर्य पूर्वक अहाँ सब जे निवास कर के नियम छै लॉकडाउन में रह कर अपनो काम देखतो और नेपाल सरकार के जे नियम अनुसार में बैठ कर काम करबे साहस पूर्वक रहबे हमरा सब के नगरपालिका में जानकी जी के कृपा छै कि हमारे सबके नगरपालिका में कोरोना वायरस कहियो आबि नहीं सके और रह गए अंतों में हम बुद्ध जनता कह चाहे छी कोई भी समस्या हो गरीब हो वा धनिक हो हम ओल जब तक हम कोरोना वायरस रहते हम कोई जनता के भूखल नहीं रह धन्यवाद मेरे साहब व्यस्त समय के बावजूद अपने सब तीनों जना समय उपलब्ध करा दिली एक अपने नगर प्रमुख एहन व्यस्त समय को बहुत बहुत धन्यवाद एने एने कहियो काल जाहिर 5 दिन पर एगो इंटरव्यू लेत रहबे हमरे से नहीं और पार्टी प्रतिनिधि से मेयर साहब की रहले केना की रहले कहियो काल उपेर को भी कहियो काल लेत रहबे तो हासे करी और टीवी प्रति भी हासे कर सहानुभूति बढ़ते तेना कहते धन्यवाद एकदम एकदम जुड़ल रहबे अपने सबके व्यस्त समय के बावजूद जे समय उपलब्ध करा देली नगर प्रमुख अपने अखन कत कत कखनो क्वारंटाइन कखनो कत घूमे पड़े तेन राजनीतिक दल विभिन्न मीटिंग में जाई पड़े व्यस्त समय के बावजूद जे समय उपलब्ध करा देली अपने तीनों गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अपनों के धन्यवाद है हमरा सबके तरफ से कम ई मार्फत हम सब नगर भीतर के जे सारा समस्या प्रति छलफल विचार अयले ये आ ते के हम सब पुनः जे भेल काल के भेल कमजोरी सबके सुधार के आरो दिन में हम सब और निमन से चलब आ अपने ही के माध्यम हम कम से कम क्षेत्र नंबर 1 के संपूर्ण क्षेत्रवासी के लॉकडाउन के सामाजिक दूरी के कायम करे जे सरकार के निर्देशन है निर्देशन में रहे सब कोई बढ़िया से रहे सबके सुख सुखमय जीवन बीते जे माता जानकी से सेहो प्रार्थना करै छी जनाते कोरोना सम्मान पूर्वक सबके लगे है तनाते सब कोनो जात पात कोनो महिला पुरुष कोनो पार्टी साथी नहीं देखे तनाते हम कह चाहब कि सब गोरा मिलकर सम्मान पूर्वक अ विरुद्ध लड़ी एकर फायदा कोई नहीं उठाबी हम सतर्क भक एक यथार्थ गरीब के बुझा कर ल जाए जनता सब खुश रह ये कहते तो अपन मंतव्य है रखे अपन भाई मेयर साहब से लास्ट में वो अपेक्षा जो उसका कार्यपालिका से राहत के पैकेज बढ़बे कल लंबा लॉकडाउन भ गेले अब मतलब जे गरीब के हम अहाँ कुछ देनू छी उसे ठीक लेते ते पर दी खास के तीन
ओहिमे तीन चरण के समयमे आइ फर्स्ट चरण के आइ ओ जो छुट फुट जे है ओहिमे बेसी करबै तऽ समस्या है ताकि जे नेपाल जे पहिने जैसा छुटल है तऽ कनि बेसी करबै तऽ कनि विवाद होतै लेकिन आइ जे सेकेंड लौट के ओतने करबै आ दोसर तेसर लौट में जे करबै ने हम तऽ निर्णय कयने छियै चावल 15 किलो तेल 1 किलो सोयाबीन 1/2 किलो 2 किलो आलू हम तऽ निर्णय कयने छियै आंतरिक अभी ओहिमे थप्पो तऽ कनि कोनो समस्या की भऽ जेतै काल्हि राजद हिसाबसँ हमरो हिसाब मेयर के हिसाबसँ काल्हि मतलब लोक जनता जे है ने हमरा दू तला 10 किलो आ दोसर के तला 15 किलो कनि कोनो टिप्पणा टिप्पणी उठा के शुरू अहाँके भऽ जेतै कि तेना बुझाइए हमरा कोरोना वायरस के महामारी के लड़ाई में अपने गाड़ी बढ़ू नेपाली कांग्रेस अपने के साथ में रह 24 घंटे साथ में छी आके आ सबके जे भी राजद दल जे भी है हम सब राजद दल से आग्रह छी कि अपना नगर पालिका में सब सतर्क रहू आ जे भी कोनो कालाबाजारी होय वा मेयर गलती करे वा प्रशासन हरे गेले एक बात आरो कहे चाहे छी हम कि हमर नगर पालिका के प्रशासन बहुत बदमाशी के रहले हम काल्हि पर समिति के भी रखली हम मेयर सन के आदमी अब 3-1 घंटा खड़ा भेलै गेट पर तऽ अहाँके हमरा जरूर भेट करने ते लग हम आके वो अभी तो विकट समस्या है वो विकट समस्या भेला के बाद प्रत्येक वार्ड पार्टी प्रतिनिधि इनका प्रति जे करे पड़ते अहाँ सब अहू सब के सहयोग चाहिए हमरा अंतिम में मेयर साहब एक अखन प्रश्न चलायल अपने ही के नगर पालिका के एक हमरा से अखने में क्वेश्चन कहने ऑनलाइन जे सर हम लिखने सर हम काठमांडू में फसल छी 25 दिन से हमर घर 76 बीघा घर भेल वार्ड नंबर 1 में हमर नाम संजय ठाकुर है हमरा लेल की प्रयास हेते नगर पालिका से हमरा लगवा कहू तो संजय ठाकुर नगर पालिका में हमरा कोई बाबू कतो रह कोन जगह में है हमरा हम काले होगा मंगवा देबे जी हमर डेली गाड़ी अभी काठमांडू जा रहल छै जी हम हुनका हमर गाड़ी डेली जा रहल है जी जी हेते धन्यवाद मेयर साहब धन्यवाद अपने तीनों गोटे के समय उपलब्ध करे ताई लेल प्रत्येक दिन ई तीनों गोटे धन्यवाद सानत नगर ए छोरा ए कोनो कोनो काठमांडू ने मतलब नेपाल के कोनो कोना में हमर गणेशमान से दोसर दोसर नगर पर का नहीं अपना गणेशमान चारना से कोई भी इन मजदूर वा कोई भी फसल होते हमारा तुरंत कांटेक्ट करे को नंबर दे देबे हमारा कांटेक्ट करते हम आकर सीधे के सामने कर काम तुरंत लावे के प्रयास में एकदम एकदम धन्यवाद मेयर साहब अखने हम जोड़ा दी अपने हमका धन्यवाद अपने तीनों गोटे के तीन जना मेयर साहब तेकर बाद नेकपा के नगर कमिटी अध्यक्ष गणेश मान के महेश लाल यादव तेना नेपाली कांग्रेस के क्षेत्रीय सभापति जितनारायण यादव जी इनका तीनों गोटे के धन्यवाद दैत कार्यक्रम के अंत करै छी नमस्कार।